हाय स्टूडेंट, मैं हूँ शंभू। यस के एडुअल में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 4। क्या सीखने वाले हैं? तो बोल्ड का इस्तेमाल करना, इटैलिक का इस्तेमाल करना, अंडरलाइन का इस्तेमाल करना। मतलब आज के क्लासेस में अगर हम कोई भी मैटर टाइप कर देते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे इतना मैटर टाइप करके लिखा गया है, क्योंकि मैं दो तीन क्लासेस में मैंने बता दिया है कि कैसे टाइप किया जाता है, कैसे रेडीमेड टेक्स्ट लेते हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बोल्ड क्या होता है। देखिए बोल्ड, और इसके लिए शॉर्टकट की दिया जा रहा है Ctrl+B। क्या? देखिए बोल्ड और शॉर्टकट की दिया जा रहा है Ctrl+B। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी हमने टेक्स्ट लिखा तो नॉर्मली लिखा रहता है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद इंटर बटन दबाते हैं। अगर मैं फिर से टाइप करता हूँ कंप्यूटर, तो जैसे मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिखाया जा रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो समय ने सेट करके रखा है वो यहाँ पे लिखता लिखता यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको बोल्ड कर दो। मतलब बोल्ड करने का मतलब यह है कि थोड़ा इस टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर लो। मतलब जो हमारे पहले से टेक्स्ट लिखे गए हैं या फिर से लिखने वाले हैं उनसे कुछ अलग लुक दिखाई दे, ठीक है, थोड़ा बोल्ड दिखाई दे, थोड़ा मोटा में दिखाई दे, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं बोल्ड का। जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद से हम जैसे बोल्ड पे क्लिक करते हैं, देखिए ये नॉर्मली टेक्स्ट से थोड़ा मोटा दिखाया जा रहा है। मतलब क्या समझ में आया? तो अगर बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमने बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा है उनसे थोड़ा हटके दिखाई देता है, थोड़ा उनसे मोटा दिखाया जाता है, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं बोल्ड का। अगर इसका इस्तेमाल शॉर्टकट की से करना है तो देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ बी बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ, देखिए फिर से यह बोल्ड भी हो गया। अगर इस बोल्ड को हटाना है तो क्या करेंगे, तो फिर से वही तरीका, आप उन दोनों को सेलेक्ट करना और सेलेक्ट करने बस इसी बोल्ड पे जाके क्लिक कर देना। जैसे इस बोल्ड पे जाके क्लिक करोगे देखिए हमारा टेक्स्ट नॉर्मल रूप में दिखाने लगेगा। तो उस कंडीशन में हमें इस्तेमाल करना होता है बोल्ड का। अगला ऑप्शन है इटैलिक। मतलब देखिए जो ये हमारा टेक्स्ट लिखा गया है तो ये नॉर्मली दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर इटैलिक करते हैं तो क्या होता है? तो इटैलिक का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं अगर अपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना हो, थोड़ा स्टाइलिस्ट दिखाना हो, तो उस कंडीशन में अगर इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं तो जो नॉर्मली पोजीशन में जो हमारा टेक्स्ट रहता है थोड़ा उससे डिफिकल्ट, मतलब एक प्रकार के स्टाइल में दिखाने लगता है, थोड़ा तिरछा दिखाया जाने लगता है, उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं इटैलिक। जैसे यहाँ पे देखिए ही से लेके मैं हिम तक सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने बस जैसे ही इटैलिक का इस्तेमाल करूंगा तो क्या होगा, तो जैसे मैं इटैलिक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए थोड़ा इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट का मैटर कैसे दिखाया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा इससे तिरछा दिखाया जा रहा है। तो जब भी अगर अपने टेक्स्ट को उस स्टाइल में करना हो, थोड़ा वह लिखा दिखाई तो दे लेकिन थोड़ा तिरछा दिखाई दे, उस कंडीशन में हम इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+I। जैसे मान लीजिए इसको भी हमको करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से हमें करना क्या है, तो यहाँ पे फिर से कंट्रोल के साथ आई बटन जैसे दबाते हैं वैसे हमारा टेक्स्ट आसानी तरीके से दिखने लगता है। उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इटैलिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमारा इटैलिक के रूप में दिखाने लगा। उसके बाद से जो हमारा अगला ऑप्शन है वह हमारा ऑप्शन है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के बारे में आप लोग परिचित होंगे, मतलब कोई भी ऐसा मैटर लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं, कॉपी में हो गया या कंप्यूटर में हो गया, अगर उसको हेडिंग देना है तो आप लोग उसको अंडरलाइन कर देते हो, मतलब उसके नीचे एक लाइन खींच देते हो, उसे ही हम बोलते हैं अंडरलाइन। जैसे मान लीजिए हमारा यह कंप्यूटर है, मैं चाहता हूँ ये मेन मेरा हेडिंग है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा देखिए हमारा अंडरलाइन के रूप में दिखाने लगा।
मतलब जिस मैटर को करना है, जैसे मान लो इसको करना है, मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे अंडरलाइन किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसको हटाना है फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, फिर से हमारा ये क्या हो जाएगा, हट भी जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है क्या, Ctrl+U। देखिए जैसे यहाँ पे जाएंगे दिखाएगा भी, Ctrl+U। जैसे मान लीजिए इन दोनों को करना है तो मैंने बस क्या टाइप किया, Ctrl+U। जैसे Ctrl+U दबाया, देखिए हमारा वर्टेक्स अंडरलाइन हो गया। तो उस कंडीशन में हम लोग अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद से दे रहा है स्ट्रिक थ्रो, यह क्या होता है, मतलब इसका इस्तेमाल जनरली उस कंडीशन में किया जाता है जब हमें इस टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को बीच से थोड़ा कटा दिखाने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश दिखाने के लिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐसे, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, नहीं। किसी बुक में आप लोग पढ़े होंगे, किसी पेपर में आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे मैटर हमारे दिखाए जाते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करके आसानी तरीके से देख सकते हैं। तो आज के क्लासेस हमने सीखा कि बोल्ड का इस्तेमाल करना, बोल्ड मतलब वह टेक्स्ट मोटा हो जाता है, इटैलिक मतलब वह टेक्स्ट तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन का मतलब उसके नीचे अंडरलाइन लग जाता है, स्ट्रिक थ्रो का मतलब उसके बीच में अंडरलाइन लग जाता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर पेपर वेपर में किया जाता है। तो यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के क्लासेस में बस इतना, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।